दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वेलकम फ्रेंड, आज हम जानेंगे मिथाइल डोपा टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस टैबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में और इस टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में और इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में और इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें और सबसे लास्ट में जानेंगे इस टैबलेट की डोजेस के बारे में। तो चलिए अब हम जानेंगे मिथाइल डोपा टैबलेट के बारे में। तो मिथाइल डोपा 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो ये इसका जेनिक नाम है। अब इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि अल्डोमेट टैबलेट, अल्फा डोपा टैबलेट आदि, और आपके एरिया के अकॉर्डिंग और भी कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हो सकते हैं। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल हाइपरटेंशन मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण हार्ट अटैक को रोकने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। तो जैसे कि सिर दर्द होना, मुंह में सूखापन रहना, चक्कर आना, थकान होना आदि। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। तो इस टैबलेट को अपने डॉक्टर के अनुसार लें और इस टैबलेट को भोजन करने से पहले या बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक निश्चित समय पर लें। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट की डोजेस के बारे में। तो इस टैबलेट को एडल्ट के लिए ओरल 250 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 1 से 2 बार पेशेंट की कंडीशन के अनुसार प्रिस्क्राइब की जाती है। दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।